एवरीडे बियर्ड की सेविंग करने से क्या होता है? अगर आप भी आपकी दाढ़ी की सेविंग रोज करते हो, दाढ़ी को रोज काटते हो, चाहे वो ब्लेड से, जिलेट गार्ड से या अदर किसी भी चीज़ से, अगर आप रोज सेविंग करते हो तो क्या होता है? बियर्ड आती है, नहीं आती है, फेस पर क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आप में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बियर्ड की ग्रोथ करने के लिए, दाढ़ी को उगाने के लिए हर रोज़ दाढ़ी को काटते हैं, हर रोज़ बियर्ड की सेविंग करते हैं, लेकिन फिर भी बियर्ड ग्रोथ नहीं होती है। आजकल तो ये बच्चे भी कर रहे हैं जो कम एज के हैं, 15, 16, 17, 18 साल तक की एज के जो बच्चे हैं, बॉयज़ हैं, वो भी हर रोज़ बियर्ड की सेविंग कर रहे हैं, जिससे कि वो सोचते हैं कि वो बियर्ड की ग्रोथ कर ले। क्या वाकई में ये सही है? तो ये 50% सही होता है, लेकिन कितनी एज तक वालों को होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और 50% गलत क्यों होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आप आपकी बियर्ड की सेविंग करते हो एवरी डे, अच्छी बात होती है। अगर आप जॉब बिजनेस कर रहे हो, या आप पुलिस में हो, आर्मी में हो, या बिजनेसमैन हो, तो आपको ये सूट करता है। आपके फेस पर जो नुकसान होते हैं उसकी आप भरपाई भी कर लेते हो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट्स करके। लेकिन अगर आप जनरली ऐसे ही आप आपकी बियर्ड की सेविंग करते हो, आप आपकी बियर्ड की ग्रोथ करने के लिए सेविंग करते हो, आप अभी बच्चे हो, स्कूल लाइफ में हो, या आप कुछ भी नहीं करते हो, तो फिर ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। इससे आपको क्या क्या नुकसान होता है? इससे आपकी जो फेस की स्किन है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, फेस की स्किन रेड होने लग जाती है। आपने बहुत सारे लोगों के फेस पर ओपन पोर्स देखे होंगे, गड्ढे देखे होंगे, जिससे कि वो गड्ढे और ज़्यादा गहरे हो जाते हैं, ओपन पोर्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप एवरीडे बियर्ड की सेविंग करते हो तो इससे बियर्ड ग्रोथ होने के चांसेस तो होते हैं, लेकिन अगर आपकी बियर्ड ऑलरेडी है, यानी अगर आपकी बियर्ड में एक भी हेयर्स नहीं है, तो बियर्ड ग्रोथ नहीं हो सकती। अगर ऑलरेडी आपकी बियर्ड में कुछ ना कुछ हेयर्स हैं, चाहे वो पतले हो, बेबी हेयर्स हो, फेशियल हेयर्स हो, तो आपकी बियर्ड ग्रोथ होने के चांसेस 50% से ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके फेस पर एक भी बाल नहीं है, तो आप भला दिन में या दिन में 4-5 बार सेविंग करो, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सिंपल सी बात होती है, जब आपकी स्किन कम एज की रहती है, 15, 16, 17, 18 साल तक की एज की जो स्किन रहती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कोमल होती है। अगर आप उस पर बार बार ब्लेड चलाते हो तो वो स्किन हार्ड हो जाती है। जो आपके बियर्ड के हेयर्स आएंगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड आएंगे और आपकी स्किन पर जलन भी पड़ेगी। जो आपके बियर्ड के हेयर्स रहते हैं ना, उसमें साइड इफेक्ट्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। बियर्ड के हेयर्स यहाँ पर निकल रहे हैं, वो स्किन पकने लग जाएगी। तो अगर आप भी ये सोचते हो कि मैं एवरीडे सेविंग कर लूँ, सेविंग करने से मेरी बियर्ड तेज़ी से ग्रोथ करेगी, फास्ट बियर्ड ग्रोथ हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। जब आपको ऐसा लगे कि आपकी बियर्ड ग्रोथ तो हो चुकी है, चाहे वो फेशियल हेयर्स हो, बेबी हेयर्स हो, पतले हेयर्स हो, लेकिन वो बढ़ नहीं रही है, तो आप उसकी ग्रोथ करने के लिए आप एवरीडे सेविंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अगर जॉब बिजनेस कर रहे हैं तभी आपको ये अच्छा लगे, ताकि आपके फेस पर जो साइड इफेक्ट हो उसको आपको सही करने के लिए पैसे हो। लेकिन अगर आप स्कूल लाइफ में हो, बच्चे हो, आपकी कोई इनकम नहीं है, फिर आपके फेस ख़राब होगा, फिर आपके फेस पर साइड इफेक्ट होगा, तो फिर आपका फेस आप मैनेज नहीं कर पाओगे। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो एवरीडे सेविंग करके पूरे फेस की बाट लगा देते हैं। तो आप केयरफुल ये सब काम करें। अगर आप ऐसा सोचते हो कि एवरीडे सेविंग करने से बियर्ड आती है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, 50% आती, 50% नहीं आती, यानी कोई गारंटी नहीं होती फुल बियर्ड ग्रोथ होने की। आई होप इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और थोड़ा बहुत आप मोटिवेट भी होंगे। जो बच्चे हैं बियर्ड ग्रोथ करना चाहते हैं वो, तो उसी के लिए आप नेचुरल डाइट लेके, नेचुरल वर्कआउट करके आप आपकी बियर्ड की ग्रोथ कर सकते हैं। 18 साल के बाद ही आप ट्रीटमेंट्स करें, उससे पहले आप बियर्ड पर कोई भी ट्रीटमेंट्स ना करें, चाहे वो बियर्ड ऑयल हो, बियर्ड ग्रोथ क्रीम हो, बियर्ड ग्रोथ टैबलेट, कैप्सूल, कुछ भी हो, तो आप ये तभी यूज़ करें। नेचुरली बियर्ड ग्रोथ होम वर्कआउट से या जिम पर वर्कआउट जाके या फिर अच्छी डाइट लेके होती है, ताकि उससे आपके हार्मोन्स इंक्रीज हो जाए। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोस। यू अगेन।